Hey guys, hi, welcome back to my channel. I'm Neha, if you're new on my channel, so please make sure to subscribe and like my video and share with your friends. So guys, आज मैं afternoon से video अपना vlog start कर रही हूँ, because आज Sunday है, तो मैंने आपको बोला था मैं आपके साथ न्याज vlog share करूँगी, यानी कि मेरी मम्मी के यहाँ न्यू हाउस में न्याज होने वाली है. सो अगर आप नहीं देखा मेरा वो पिछला व्लॉग न्यू हाउस वाला, तो आप देखना, मैं लिंक डाल दूंगी. सो अभी हम वहाँ पे न्याज करेंगे 11वीं की. सो मैंने आपको बोला था जैसे संडे है तो आज वहाँ जाएंगे, तो मैंने आज आफ्टरनून से स्टार्ट किया बिकॉज मैं रेडी भी हो गई, मुझे जाना है बिकॉज मालूम मेरे बहुत लेट हो जाता है, इसके लिए मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया अपना व्लॉग. सो मैंने ये ऑरेंज कलर का ड्रेस वेयर किया है, आप जैसे देख सकते हो. सो अभी बुरखा वेयर करूंगी एंड उसके बाद मैं निकलूंगी सीधा बांद्रा जाऊंगी मम्मी के यहाँ. उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे बाय बस. सो आज बाइक से नहीं जाएंगे. सो मैं आपको वहां मिलती हूँ डायरेक्टली बांद्रा में. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. सो बस स्टॉप पे हम लोग आ गए हैं. मैं आई काशा, मैं आई महाज, तैमूर, सरफराज सब आ गए. अब वो लोग भी आ रहे हैं बस स्टॉप पे, हम बस से जाएंगे. सो बस से जाने के बाद मैं डायरेक्ट आपको वहीं मिलूंगी. पहले सब लोग आएंगे तो आपको दिखा देती हूँ सब ने क्या क्या वेयर किया है. महाज और तैमूर को देख ली, सिंपल कुर्ता है बिकॉज नियाज है तो कुर्ता पजामा इज अ मस्ट. सो अभी देखते हैं लोग कौन है. तो अभी फ़िलहाल बज रहा है 2, हम लोग 2 बजे निकल गए बिकॉज दोपहर में ही नियाज करके फिनिश करना है असर तक का, लाइक शाम तक का. सो बस में हम बैठ गए हैं. बाजी है, जायशा है, महाज है, काशान है और तैमूर है और मैं हूँ. हम सब बस में बैठ गए हैं और मम्मी और मदीहा पीछे आएंगे खाना लेकर, वो लोग कैब में आ रहे हैं. सो ओला करके उन लोग आने वाले हैं खाना, बिकॉज़ बस में कैसे लेके जाएंगे, नियाज का खाना है. सो इसलिए. और सरफराज और सैफ बाइक पर आ रहे हैं. सरफराज जी बोले बाइक पे आता हूँ सैफ को लेकर, तो सब मम्मी का कैब और बाइक सरफराज के साथ में आएगा, हम लोग पहले पहुँच जाएंगे, थोड़ा क्लीनिंग हो जाएगी घर पर. सो हम पहुँच गए गाइस. हमसे एक गलती हो गई. क्या गलती? ये हुई है कि मैं तो फ्लोर चल रही हूँ, हमने चाबी लाना ही भूल गए. वाह, वो लोग मतलब टैक्सी में आएंगे बिकॉज खाना वाना लेकर आना है. सो खाने में लेकर टैक्सी में लोग लेकर आ रहे हैं, तो वो लोग की चाबी हम लोग को देना ही भूल गए. अब हमें बाहर बैठना पड़ेगा तो बाजू में बैठना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं, बैठते हैं. सभी हम बैठे हैं बाहर, बैठे पैसेज में, चाबी तो लेके नहीं आए हैं बिकॉज अभी मम्मी तो आती ही होंगे, वो लोग आ रहे हैं रास्ते में. हमने कॉल किया था, बोले कुछ देर में पहुँच जाएंगे, जब तक हम बाहर बैठे नेबर में, नेबर में बाजू में था तो वहाँ बैठ गए हम लोग. सो वेट करते मम्मी का. सो आप देख सकते हैं मेरी ड्रेसिंग है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा. ऑरेंज कलर का मैंने सूट वेयर किया था, सिंपल सा. सो अभी चाबी मिल गई है, हमने ओपन किया है घर, आप देख सकते हो. अब थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, लाइक मम्मी पहले आके क्लीन करके गए हैं, से थोड़ा सा लाइक और झाड़ू वाड़ू मार के थोड़ा क्लीनिंग कर देंगे पोछा मार के. सो बाजी कर देगी वो. सो बाजी ने स्टार्ट भी कर दिया क्लीनिंग, जैसे कि आप देख सकते हो बाजी क्लीनिंग कर रही है. सब बच्चे यहाँ पे कितना मस्ती कर रहे हैं, बाप रे बाप. बाजी ने आते ही स्टार्ट किया बिकॉज नियाज दिलाना है, फातिहा होनी है, काफ़ी टाइम लगने वाला है. सो बाजी क्लीन कर रही है अपना आराम से. देखो मरिया की ड्रेसिंग, हाला इधर है, पीछे मन्नत खड़ी है, ये तैमूर इधर है, काशान तो बाहर नाच रहा है. देखो ये देखो ये देखो देखो. भाजी ने फास्ट फास्ट क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, मम्मी के आने से पहले हो जाएगा क्योंकि मदीहा लोग का वो आया है, मदीहा लोग का टैक्सी आया है. मम्मी, मुमानी, मामू लोग सब अभी आने के बाकी है, तो उन लोग खाना लेकर आ रहे हैं. ये लोग अलग टैक्सी में आ गए, मन्नत, मदीहा एंड उसके सिस्टर्स. सरफराज और सैफ भी आ गए बाइक में, तो उन लोगों को मैं लेने जा रही थी क्योंकि लोग कभी आए नहीं फर्स्ट टाइम है. सो मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट. सब क्लीनिंग चालू है आज, सबके घर में न्याज नजर हो रही है. सब क्लीनिंग चालू है, सब क्लीनिंग चालू है, सबके घर में क्लीनिंग चालू है. सैफ जरा के अंदर खड़ा भी हो गया. यहाँ से ये भी आ गए. जब हम लोग ने बोले तो हमने सलाह ही नहीं, हम लोग बाइक पे आएंगे तो ये लोग बहुत लेट हो गए. चलो अभी इन लोगों को लेके जाया जा रहा है.
सबके यहाँ पे नियाज नजर है तो सब लोग क्लीनिंग कर रहे हैं आज। वाओ आज बहुत लोगों के यहाँ पे नियाज है। ऊपर ऊपर ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर है ना, सब अभी आ गए। मम्मी लोग, मम्मी लोग का शक्ल आना बाकी है बस। चाहिए व्लॉग में मैंने कही थी। सो ये है बिरयानी। सो बिरयानी है, मम्मी यहाँ पर ये खोल रहे हैं बड़ा पतीला, इसमें है दाल गोश्त। सो बिरयानी पे नियाज डलेगी बिकॉज चिकन है एंड दाल गोश्त गोश्त का होता है तो उस पर नियाज नहीं देती है। सो ये जैसे कोई हिंदू आया तो वो बिरयानी खा लेगा एंड जो मुस्लिम है वो गोश्त खा लेगा। सो इस बात पर है। यह है चावल, वो दूसरे वाले टोप में चावल है। इतना टेस्टी लग रहा है खाने के, जो भूख लग रही है देख कर ही भुटोना चालू हो गई थी, बापरे। सो अभी खाने के लिए सब बैठ गए हैं। मम्मी ने स्टार्ट किया निकालना बिकॉज नियाज दे चुकी है। मैंने नियाज का ब्लॉग शूट नहीं किया, अच्छा लगता है कि नियाज का भी लग डालो, अच्छा नहीं लगता है ना। सो खाना स्टार्ट कर दिया है। अभी सरफराज पहले खाना खा रहे हैं बिकॉज उनको ज़्यादा भूख लग रही है, इसके लिए वो पहले से ही खाना खाने बैठ जाएंगे। और तैमूर सैफ मार कर रही हो। सो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा बिकॉज स्पीकर बज रहा था, उसमें कवाली बज रही थी, कभी सॉन्ग लगा रहे थे तो कॉपीराइट आने का इशू हो जाता है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। चलो थोड़ा बाहर सैर सपाटा करेंगे। तो ब्लॉग काफ़ी छोटा बना है, मैंने काफ़ी कुछ शूट नहीं की हूँ बिकॉज ऐसे काफ़ी लोग नियाज में आए थे, उनको शूट नहीं करना था खाना खाने वक्त, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अपने अपने लोग ही है, चलो कोई मैटर नहीं करता है। अब कोई शॉप मिल जाए तो वहाँ से कुछ प्लास्टिक बैग्स लेने हैं। प्लास्टिक बैग्स लेंगे, प्लास्टिक बैग्स। हम लोग की ड्रेसिंग मैं टमेटो ऑरेंज, ये वाइट एंड ब्लैक, प्लास्टिक ले लेंगे। सो हम बाहर चलते चलते हम दरगाह पहुँच गए थे, वहाँ पर एक दरगाह भी है, एक थोड़ा 5-10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर दरगाह है गडकरी दरगाह, बहुत ही अच्छी दरगाह है, बहुत ज़्यादा फेमस दरगाह है। लाइक वहाँ पर हमें तो मालूम नहीं था, हम फर्स्ट टाइम गए हैं लाइक ये। तो आप देख सकते हो यहाँ मंकीज़ वगैरह सब मिलेंगे, सब मंकीज़ से सब बहुत लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। सो मैंने थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ, आपको भी दरगाह की सलामी मिल जाएगी, तो प्लीज़ से सलाम। एंड देख सकते हो आप काफ़ी लोग है, काफ़ी रश है, संडे है इसलिए रश होता ही है कहीं भी। सो ये है दरगाह, मैंने दरगाह का भी थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया था, सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ, ब्लॉग में डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाइक पे आई बस में, जा बस बाइक पर रही, बाकी लोग का कैब वो है बाइक वाला। तो यही ब्लॉग एंड होता है बाबा, ब्लॉग में ही एंड करती हूँ। आई नो का सारा बड़ा ब्लॉग में छोटा ही ब्लॉग था। सो बस मुझे आपको शेयर करना था नियाज, मैंने शेयर कर लिया है। एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, इफ़ येस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत हवा आ रही है, बहुत।